गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम हमारे लेसन टू की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, विच ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग ऑन अ कंप्यूटर। बेटा वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, वो है बेटा आपका कंट्रोल पैनल। सेकेंड है बेटा क्विज का क्वेश्चन, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस विंडो का बेटा जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम लिखना है। तो लेटेस्ट वर्जन क्या आया हुआ है आप विंडो 10। हु डेवलप्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो, विंडो का जो बेटा पहला वर्जन था वो किसने डेवलप किया था, तो वो डेवलप किया था बेटा बिल गेट्स ने 1983 के, ठीक है। उसके बाद बेटा ब्लैंक इज नॉट अ वर्जन ऑफ एमएस विंडो, इन तीनों में से बेटा जो एमएस विंडो का कौन सा वर्जन नहीं है, तो विंडो 99 एमएस विंडो का वर्जन नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करोगे। ब्लैंक मीन्स टू चेंज द नेम और ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर, बेटा इन तीनों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको हम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा हमारी जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है पहले से उसका नेम चेंज कर सकते हैं, तो वो है आपका रीनेम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर होल्ड डाउन द ब्लैंक की, अगर हमें कोई भी नॉन एडजेसेंट फाइल या फोल्डर अगर सिलेक्ट करना होता है तो हम कौन सी की को प्रेस करते हैं बेटा, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक से बेटा, पहला फिल इन द ब्लैंक है बेटा एमएस विंडो हैज़ मैनी फ्लेवर्स कॉल्ड ब्लैंक, एमएस विंडो के बेटा बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं वर्जन, यहाँ पे आएगा आपका वर्जन। उसके बाद बेटा विंडो 7 इज डेवलप्ड बाय, विंडो 7 को किसने डेवलप किया था बेटा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था, ठीक है। और अगर पूछता है कब किया था तो बेटा 1983 के अंदर किया था। ब्लैंक हेल्प टू मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड फंक्शन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, किसकी हेल्प से बेटा हम हमारे कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज और फंक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो है आपका कंट्रोल पैनल। उसके बाद बेटा डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर मूव टू ब्लैंक, जो हम फाइल या फोल्डर हमारे कंप्यूटर के अंदर डिलीट कर देते हैं बेटा वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, रिसाइकल बिन के अंदर वो मूव जो हो जाता है वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो आपकी लेसन टू की एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, आप अपनी जो बुक्स है बेटा उनके अंदर इसके फिल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।